हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंक्स चूल्हा चौका। आज हम बनाएंगे कोरिएंडर चटनी। ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन में जब हमें बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है, तो ये चटनी आपके टेस्ट बर्ड्स को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। चटनी बनाने के लिए हम लोग को पुदीना, धनिया, लहसुन, गार्लिक, टमाटोस, ग्रीन चिली, हम लोग जितना भी धनिया लेंगे उसका 1/3 पोर्शन आपको पुदीने का लेना है। ग्रीन चिली और गार्लिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर ग्रीन चिली बहुत ही स्पाइसी टेस्ट देता है तो ज़्यादा ही रखिए, और गार्लिक भी बहुत स्ट्रांग फ्लेवर देता है, कम रखेंगे तो चटनी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। टमाटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतने धनिए में मैं इतना टमाटर ले रही हूँ। अब हम लोग एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें सबसे पहले सारे टमाटर डाल देंगे, फिर गार्लिक और ग्रीन चिलीज। अब जो हम लोग ने धनिया लिया था वो डाल देंगे। धनिया डालने के बाद बाकी बचा हुआ पुदीना भी डाल दें। पुदीना डालने के बाद इसमें हम लोग नमक डाल लेंगे। नमक चटनी में थोड़ा चटक ही रहता है, पर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम लोग ने इसे ग्राइंड कर लिया, अब इसे खोलेंगे। याद रहे इसको पानी नहीं डालना है ग्राइंड करते वक्त। अब देखिए इसका कितना अच्छा कंसिस्टेंसी आया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए अब हमने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। ऐसे तो आप खा ही सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। किसी भी दाल रोटी चावल सब्जी के साथ आप खा सकते हैं सैंडविच में। पर इसकी एक और टेक्निक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक बाउल कर्ड लेंगे और उसमें 2 टीस्पून चटनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला चटनी भी तैयार है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कर्ड लेके उसमें थोड़ा सा चटनी मिला लिए। बट सीरियसली गाइस, ये आपका पुलाव, बिरयानी, घर में हम जो भी राइस बनाते हैं तहरी, उनके साथ बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम सैंडविच में भी और बर्गर में भी यूज कर सकते हैं। और ये चटनी दाल चावल रोटी सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो इस वाले को आप 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसको जब खाना हो उसी टाइम आप कर्ड में मिक्स कीजिए और खा सकते हैं। देखिए हमारी चटनी तैयार है। ये आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, हर चीज के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको अगर ये पसंद आती है तो प्लीज इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिंक्स चूल्हा चौका, और आपको पसंद आता है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।